Hi friends, so today I am back with another recipe that is tutti frutti. So इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 ingredients चाहिए. First हमारा watermelon का जो leftover part होता है, second any food color and third sugar. So ये काफ़ी easy recipe है और इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है एंड ये बहुत जल्दी भी बन जाती है. तो चलिए let's get started. तो मैं यहाँ कुछ लेफ़्ट ओवर वाटरमेलन पीसेस ले रही हूँ और अब हमें इनमें से जो वाटरमेलन का आउटर स्किन है उसको रिमूव करना है, जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है. तो मैं अपने लेफ़्ट ओवर पीसेस में से सबका स्किन पील कर रही हूँ. हमें टूटी फ्रूटी बनाने के लिए जो वाटरमेलन के छिलके का लाइट ग्रीन पार्ट है सिर्फ वो ही रिक्वायर्ड है. बाकी जो उसका इनर पल्प है रेड कलर का, हमको वो भी रिमूव करना है. तो आप उसको भी अच्छे से रिमूव कर लीजिए. अब जो हमने वाटरमेलन का पार्ट पील किया है उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे. जैसे कि आपने देखा है कि टूटी फ्रूटी बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में होती है, जस्ट लाइक दैट हम इसको भी वैसे चॉप कर लेंगे. तो यहाँ पे मैंने अपने सारे वाटरमेलन के छिलकों को छोटे छोटे क्यूब्स में चॉप कर लिया है. अब हमें ये सारे वाटरमेलन के क्यूब्स को पानी में बॉईल करना है. तो मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी. अप्रोक्सीमेटली आपको 200 ml ऑफ वाटर डालना है इसके अंदर. सो जैसे ही पानी बॉईल होने लगेगा हम इसके अंदर जो वाटरमेलन के चॉप पीसेस है वो धीरे धीरे करके डालेंगे. अब हम 5 मिनट्स के लिए अपने वाटरमेलन पीसेस को पानी में पकने के लिए रख देंगे. सो जैसे कि आप देख रहे हो इन पीसेस का टेक्सचर अभी भी सेम ही है. हम इनको थोड़ी देर और पकाएंगे जब तक ये थोड़े ट्रांसपेरेंट से ना हो जाए. तो जैसे कि यहाँ पे अब इन पीसेस का टेक्सचर ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब मैं इसको एक छन्नी में छान लूंगी. तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें शुगर सिरप प्रिपेयर करना है. तो मैंने एक पैन में पानी लिया है और उसमें थोड़ा सा शुगर डाला है. तो मैंने जो रेशियो लिया है वो 3:1 है. तो मैंने अगर 50 grams ऑफ शुगर लिया है तो मैं उसको 150 ml ऑफ वाटर उसमें डाल रही हूँ. तो जैसे अगर आप 1/2 कटोरी शुगर डाल रहे हैं तो 1.5 कटोरी आप उसमें पानी डालिएगा. अब हम इस मिक्सचर को थोड़ा बॉयल होने देंगे. तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे बॉयल होगा उसके बाद हम इसमें अपना जो हमारे बॉईल किए हुए वाटरमेलन पीसेस है वो डाल देंगे. हमें वाटरमेलन पीसेस को शुगर सिरप में कम से कम 5 मिनट तक बॉईल करना है, वो भी हाई फ्लेम पे. यहाँ पे मैंने वाटरमेलन पीसेस को अच्छे से छान लिया है और सारा एक्सेस वाटर रिमूव कर दिया है. अब हम इसको एक प्लेट में डाल देंगे. अब हमें बस इसका लास्ट स्टेप करना है, जो कि है हमें फूड कलर डालना है. मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया है क्योंकि मेरे पास और कोई कलर था नहीं इस टाइम पे. आप कोई भी कलर ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो. हमें जस्ट एक ड्रॉप ऑफ कलर चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना, इतना बहुत सफिशेंट है. उसको आप अच्छे से डाल दीजिए और अब आपको इसको मिक्स करना है. तो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, बट आई फील कि मुझे थोड़ा सा और कलर डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे डार्क कलर की चेरीज चाहिए. तो मैं इसमें एक ड्रॉप कलर और ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी.
तो यहाँ पे कलर अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारी टूटी फ्रूटी रेडी है। देखिए कितनी इजी थी बनानी, इतने कम टाइम में प्रिपेयर हो गई है। सो प्लीज़ डू ट्राई दिस एट होम एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सम मोर यमी रेसिपीज़। टाटा।